तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी और होली भी अच्छे से मनाया होगा। इसी कहानी में कुछ दिन पहले मैंने आपको चूरू की एक कहानी सुनाई थी। एक घर में रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी, कपड़े खूंटी पर टंगे, खूंटी में आग लग गई, बेड पर कोई आसपास में ही नहीं बिस्तर पर आग लग गई, किचन में आग लग गई, जानवरों के चारे का जो जगह है वहाँ पे आग लग गई, मतलब कहीं भी आग लग रही है। और आलम यह है कि आग लग नहीं रही, बल्कि जब ये बात फैली तो गांव के लोग आए, गांव के लोगों के सामने आग लग रही है, वो चश्मदीद बन गए। गांव के लोगों ने बाकायदा देसी फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम किया कि पानी से आग बुझाएंगे। घर के लोग घर के बाहर आ गए, सारा सामान बाहर कर दिया, खाली घर में भी आग लग रही है और लोग चौंक रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि इससे पहले इसी घर में 28 दिन के अंदर अंदर 3 मौत हो चुकी थी और तीनों ठीक ठाक फिट। तो 3 मौत और तीसरी मौत के अगले दिन से इस घर में लगातार अगले 15 दिनों तक रहस्यमय आग। पूरे घर में जितनी जुबान उतनी बातें, जादू टोना तंत्र मंत्र सारी बातें होने लगी। घर का परिवार बाहर, बल्कि पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस वालों पर भी हमला हो गया कि तुम क्या जाँच कर रहे हो। ये पूरी कहानी आपको डिटेल में सुनाई थी। अब इस रहस्यमय आग और उन 3 मौतों का खुलासा हो गया। चूरू के इस घर में जो रहस्यमय आग लग रही थी उसकी सच्चाई सामने आ गई। और यह सब कुछ हुआ मुमकिन सिर्फ एक दफन लाश की वजह से। अगर 4 साल के मासूम बच्चे गर्भित की लाश को दफनाया ना जाता और अगर उस घर में हुई उससे पहले दोनों मौतों की तरह उसकी भी चिता सज चुकी होती और चिता जल चुकी होती तो सारे सबूत राख हो चुके होते। लेकिन एक लाश ने, जिसको कब्र से बाहर निकाला गया, उस लाश ने बाकी 2 मौतों का भी सच बता दिया। पूरी कहानी और कैसी ये 3 मौत 3 कत्ल हैं और इस कत्ल के पीछे और इस रहस्यमय आग के पीछे की दिमागी फितूर क्या है आपके सामने पेश। चूरू के भैंसाली गांव में भूप सिंह का परिवार रहता था। भूप सिंह के परिवार में पत्नी, 2 बेटे गर्वित और अनुराग, साथ में 82 साल की उम्र की एक दादी और पिता, ये लोग रहा करते थे। 31 जनवरी को अचानक घर की दादी सुबह उठती हैं और उल्टियां करने लगती हैं और उनको अस्पताल ले जाया जाता है, उससे पहले ही दम तोड़ देती हैं। उनकी मौत के 10 दिन के बाद अचानक जो अनुराग है, घर का बेटा भूप सिंह का, वो भी सुबह उठता है, ठीक ठाक रात को सोया था, उल्टियाँ होती हैं, उसको लेकर जाते हैं, मौत हो चुकी थी। उसके ठीक 12 दिन के बाद 28 फरवरी घर का छोटा बेटा, 4 साल का गर्भित, रात को ठीक ठाक सुबह उठता है, उल्टियां होती हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, उसकी भी मौत हो जाती है। 28 दिन के अंदर घर में 82 साल की उम्र की दादी, 12 साल का उम्र का अनुराग, 7 साल का अनुराग और 4 साल का गर्भित, 3 मौत हो गई थी। 28 फरवरी को आखिरी मौत होती है। 29 फरवरी को अब अचानक घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। खूंटी पे कपड़ा टंगा है और अचानक कपड़े से आग, घर वाले परेशान, बिस्तर में आग, किचन में आग, जानवरों के चारे के भंडारे में आग, जानवरों को जहाँ बांध के रखा जाता है उस बाड़े में आग, और धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस से होते हुए पूरे गाँव तक ये बात फैल गई। कुछ गाँव वालों ने कहा चलो CCTV कैमरा लगाते हैं ताकि पता चल सके, तो कैमरे का जो रिकॉर्डिंग DVR में, वो DVR में भी आग। जब ये बात मीडिया में आई, लोकल अखबारों में, फिर न्यूज़ चैनल में, हर तरफ, तो पुलिस भी चौकन्नी हुई। उसे लगा कि कोई अफवाह फैल रहा है इस तरीके से कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना है, घर में रहस्यमय आग, 3 मौत, क्या कनेक्शन। तो अब चूरू पुलिस ने जांच बिठाई, लेकिन पुलिस की टीम जब पहली बार गई तो हमला भी हो गया। फिर भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब इस तफ्तीश में शुरुआत में ही पुलिस को ये था कि ये रहस्यमय आग तो ढोंग है, और अगर ये ढोंग है तो फिर उस घर में हुई 3 मौत का भी सच कुछ और है। लेकिन 3 मौत का सच कैसे पता करें? 82 साल की उम्र की दादी की जब मौत हुई तो अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार हो गया। जो 7 साल का बच्चा था अनुराग, उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। तभी पुलिस को पता चला कि जो 4 साल का बच्चा गर्भित था उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उसको दफनाया गया। क्योंकि उस गाँव में ये रिवाज है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1, 2, 3, 4 साल तक, उनको जलाते नहीं, उनको दफना देते। तो पुलिस की उम्मीद की किरण जागी कि इस बच्चे की लाश को बाहर निकालें तो अगर
जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल डेथ है या फिर किसी और वजह से। लेकिन अब कब्र से लाश ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो पुलिस पहुंचे डीएम के पास। डीएम को उसने सारी चीज़ बताई, डीएम को भी ये खबर मालूम थी, डीएम ने इजाज़त दे दी। डीएम की इजाज़त के बाद कब्र खोदी गई, 4 साल के बच्चे गर्भित की लाश निकाली गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और विसरा को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। अब इत्तफाक से ये शुरुआती रिपोर्ट पुलिस को पहले मिल गई, अभी मीडिया या बाहर में पता नहीं, और रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। पता चला उस जहर का नाम नहीं बताऊंगा कि खास जहर है, उस जहर से इस 4 साल के बच्चे की मौत हुई है। अब जब पुलिस को ये लगा तो फिर ये हुआ कि जो सिम्टम था इससे पहले उसके बड़े भाई की मौत की, उसकी दादी की मौत की, सेम था। तो अगर इसकी मौत इस तरीके से हुई तो इसका मतलब है बाकी 2 मौत भी उसी तरीके से हुई। लेकिन अभी ये सोच है, सबूत नहीं है, क्योंकि उन दोनों की मौत तो राख में सारे सुराग सबूत जल चुके हैं। लेकिन इस बच्चे की पोस्टमार्टम और विसरा की शुरुआती रिपोर्ट से पुलिस को ये मिल गया कि अगर ये कत्ल है तो फिर घर में जो बाकी 2 मौत हुई वो भी कत्ल है। पर ये कत्ल कौन कर सकता है? अब इस विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस ने फिलहाल गुप्त रखा है, छुपा कर रखा है, और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर के अंदर, घर के बाहर, तमाम लोगों को। और यहीं से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहली चीज़, जो घर के अंदर आग लगी थी उसके भी फॉरेंसिक से उन्होंने कलेक्ट किए नमूने, तो उसकी भी रिपोर्ट आई। पता चला ये जो घर में आग लग रही है ये किसी भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि उस घर से कुछ ऐसे नमूने मिले जो इशारा कर रहे थे कि ये सोडियम है और इस घर में आग लगाने के लिए सोडियम का इस्तेमाल हुआ है। अब जब ये पता चला, इधर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की है ड्रग्स है, मतलब पॉइजन है, तो इधर पॉइजन, उधर घर में आग लगाने के लिए सोडियम, मतलब साफ है कि एक साजिश। पर ये साजिश कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है? पुलिस ने तमाम लोगों की कुंडली खंगालने शुरू की। जब कुंडली खंगाली तो फिर एक हैरान करने वाली जानकारी मिली। पता चला कि इस घर का मुखिया यानी इन 2 बच्चों का बाप, उस दादी का पोता जिस घर में 3 मौत हुई है, अनुराग और गर्वित, के पिता भूप सिंह जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी कुछ वक्त पहले गांव में एक दवा की दुकान थी, मेडिकल स्टोर छोटी सी। अब पुलिस को जब ये पता चला तो पहले पुलिस के कान खड़े हुए, फिर और कुरेदा गया तो पता चला कि कुछ साल पहले वो राजगढ़ में एक हॉस्पिटल में बतौर कंपाउंडर भी काम कर चुका है। अब ये 2 जानकारी बड़ी अहम थी कि कंपाउंडर हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर, दवा की दुकान, यानी इस शख्स को पॉइजन और सोडियम ऐसी सारी चीज़ों की केमिकल की जानकारी हो सकती है। इसके अलावा जितने लोगों की जांच की गई उनमें से कोई भी इस तरह का जानकार नहीं निकला। लेकिन अब पुलिस को डर भी कि यार ठीक है ये कंपाउंडर है, इसकी दवा की दुकान है, लेकिन ये कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि यही कातिल है? और सबसे बड़ी बात, कोई भी बाप अपने 2 बच्चों को, एक बच्चा समझ में आता है, कई बार किसी वजह से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि बाप ने बेटे को मारा या बेटे ने बाप को मार दिया, लेकिन सिलसिलेवार अपने पहले बेटे को, फिर दूसरे बेटे को, दादी को, उसके रीज़न को, मोटिव तो सॉलिड होना चाहिए। पुलिस यहाँ पे अटक गई कि क्या करें, क्यों मारा होगा? जिधर पूछताछ करें उधर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन और कोई सस्पेक्ट नहीं। तब पुलिस ने फिर भूप सिंह और उसकी पत्नी दोनों को एक साथ बुलाई और इंट्रोगेशन में शामिल हुई है। अब दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। जब ये पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया तब तक मीडिया में खबर आ गई कि पुलिस ने मियाँ बीवी दोनों को हिरासत में ले लिया और यही इस रहस्यमय आग और कत्ल के पीछे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया। आज दोपहर 3 बजे चूरू पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी रिलीज भी है और उसमें सारी कहानी आ गई। दवा की दुकान और कंपाउंडर, ये 2 चीज़ों ने भूप सिंह पर शक पैदा किया। अब पुलिस ने तफ्तीश की, मियाँ बीवी से अलग अलग पूछताछ की, बिठाकर पूछताछ की, और उसके बाद पुलिस ने भूप सिंह की पत्नी को कहा कि आप घर जा सकती हैं, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं, अब बचा सिर्फ भूप सिंह। अब पुलिस ने भूप सिंह से कहा कि देखो सबूत तो है हमारे पास सारी, पर तुम ही कहानी सुना दो तो बेहतर होगा। अब भूप सिंह ने कहानी सुनानी शुरू की। तो पहले कत्ल का तरीका बताता हूं आपको, कत्ल की वजह बाद में बताऊंगा। भूप सिंह ने कहा कि
कि हाँ मैंने अपनी दादी और अपने दो बेटों का कत्ल किया, और वो कत्ल इस तरीके से किया कि किसी को शक ना हो। चूँकि मुझे मेडिकल की जानकारी थी, मैं खास जहर, उस जहर का नाम भी है, मैं वो लेकर आया। मेरी दादी को खांसी थी, मैंने खांसी की दवा में वो जहर मिला दिया। और ये बात है 30 जनवरी की। 31 जनवरी की सुबह दादी उठी, अचानक खांसने लगी, उसके बाद उनकी मौत हो गई, खून की उल्टी हुई। इसके बाद 10-12 दिन बीत गए, फिर मैंने अपने एक बेटे को, जिसका नाम ग्रवित है, 4 साल का बच्चा, उसको यही जहर दवा में मिलाकर पिला दी खांसी के, उसकी मौत हो गई। फिर अपने दूसरे बेटे को भी सेम इसी तरीके से ये जहर एक दवा में मिलाकर दी खांसी की, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब चूंकि दादी को खांसी थी और दादी की खांसी से मौत हुई, तो ये घर में था कि यार ये खांसी कहीं इस वजह से तो नहीं है, तो उसने बच्चों को कहा और अपने घर में भी कि खांसी को रोकने के लिए एक दवा है, बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को असर नहीं पड़ेगा, और इसलिए खांसी की दवा उसने दी और उसमें जहर मिला दिया। तो अब सवाल ये है कि तुमने दादी और दो बच्चों को मारा, घर में तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारे पिता भी हैं, तो उनको क्यों नहीं मारा? तब भूप सिंह बताता है कि असल में उसे कत्ल तो दो करने थे, लेकिन करने पड़े 3, और उसकी वजह यह थी कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो, और अगर वो सिर्फ 2 कत्ल करता तो शायद जल्दी पकड़ा जाता। उसने कहा कि उसे अपनी दादी को मारना ही नहीं था, 82 साल की दादी थी, दादी से कोई वैसी बात भी नहीं थी, लेकिन दादी को सिर्फ इसलिए मारा ताकि बाकी के जो 2 कत्ल करने वाला हूँ उस पर किसी को शक ना हो। तो दादी खामखा मारी गई। दादी की आड़ में वो 2 बच्चों के कत्ल को एक हादसा दिखाना चाहता था, तो खैर उसने दादी को मारा। तो ये हुआ कि दादी के बाद बच्चे, तो एक के बाद एक 28 दिन में 3 मौत, लोगों को लगा घर में कोई भूत प्रेती है। तो इत्तेफाक से जब तीसरी मौत हुई 28 दिन के अंदर, 28 फरवरी को, 31 को पहली मौत हुई थी जनवरी, और 28 फरवरी को लास्ट तीसरी मौत, तो इस दौरान गांव में बातें होने लगी कि तुम्हारे घर में कुछ है, सब ठीक था, अचानक 28 दिन में 3 मौत हो गई। तो उसे ये भी था कि इन 3 मौतों की बात कहीं इधर उधर ज़्यादा ना जाए, किसी को शक ना हो, तो उसने कहा इसको छुपाने के लिए इन 3 कत्लों को एक और तरीका करते हैं। गाँव में वैसी बात फैल गई कि भूत प्रेत साया है तंत्र मंत्र। उसने कहा घर में आग लगाते हैं, आग लगाने से ये होगा कि ये जो लोगों की सोच है गांव वालों की कि कुछ हो गया तुम्हारे यहाँ जादू टोना टोटका, तो इस आग से उस अफवाह को और ज़्यादा आग मिलेगी। इसके बाद ये सोडियम लाता है, कपड़े और इधर डाल देता है, क्योंकि हवा के साथ जब संपर्क होता है तो अपने आप आग लग जाती है, उसने डाला हुआ कहीं पे, जैसे हवा चली आग लगनी शुरू। तो अभी इसने चुपचाप से जगह जगह सोडियम डालना शुरू कर दिया, और उसके बाद अपने आप आग लगने लगी। लोग पहले घर वाले विटनेस हुए, कह रहे मैं तो यहाँ था, ये खुद भूप सिंह उनके साथ बैठा और खूंटी पे कपड़ा जलने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चली, वो जब आए तो उनके सामने अपने आप आग लग रही है, बातें बढ़ती गई। तो उससे ये हुआ कि इस घर में जादू टोना और ये सारी चीज़ें हैं जिसने पहले 3 जान ली, और अब घर में रहस्यमय आग लग रही है। तो इस बात से लोगों को उस 3 कत्ल की तरफ ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने उन 3 मौतों को जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र ही मान लिया। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि ये खबर लोकल मीडिया से फिर बाकी शहरों में चली गई। अब ये कि रहस्यमय या आग, और ये अब साइंस इन चीज़ों को तो मानता नहीं है, और कानून की नज़र में भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जब ये फैलने लगी और लोग आने लगे आग को देखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के इशू आ गया, तब पुलिस की एंट्री हो गई। अब पुलिस जब पहुंची और पुलिस ने देखा कि ये सारी चीज़ें, और फिर पुलिस को पता चला इस घर में तो 3 मौत हुई है, तो पुलिस का माथा ठनका, पहले 3 मौत फिर ये आग, कुछ ना कुछ गड़बड़ा। उधर भूप सिंह पुलिस के आते ही डर गया, उसे लगा कि पुलिस ने अगर जांच की तो उसके 3 कत्ल वाला मामला खुल जाएगा। उसने अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को भड़का दिया कि ये कुछ करते नहीं हैं, कुछ अभी तक पता नहीं किया, आग बुझा नहीं पा रहे हैं। पुलिस वालों पर ही हमला हो गया, पुलिस वाले बेचारे लौट गए। फिर ये हुआ कि नहीं कैमरा लगा दो, तब CCTV कैमरा लगा दिया गया। जब कैमरा लगा तो एक दिन आग ही नहीं लगी। अब भूप सिंह को लगा कि कैमरे में तो पता चल जाएगा, तो उसने DVR में ही आग लगा दी। अब DVR ही जल गया तो कैमरे की रिकॉर्डिंग क्या देखोगे? ये सब होता रहा, लेकिन पुलिस को डाउट हो गया। अब जब पुलिस को डाउट हुआ तो मामला दर्ज हुआ,
और पुलिस को ये था कि एक महीने में 3 मौत एक जैसे कैसे हो सकती है, कोई गांव में ऐसी बीमारी नहीं फैली, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और फिर 3 मौत और फिर आग। तो पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की। अब मौत को कत्ल साबित करने के लिए ज़रूरी था कि जिनकी मौत हुई है उसके किसी न किसी का पोस्टमार्टम, और यहीं भूप सिंह ने गलती कर दी। गलती भी नहीं थी उसकी, अगर ये गांव का कस्टम या रिवाज रस्म ना होती कि छोटे बच्चों को जलाना नहीं दफनाना है, तो शायद कभी इन 3 मौतों का सच जमाने के सामने आता ही नहीं। लेकिन उस एक रस्म ने कि मासूम बच्चों को दफनाना है भेद खोल दिया। पुलिस पहुंच गई डीएम के पास, परमिशन ले ली कि भाई देख ले नेचुरल डेथ है कि नहीं है, क्योंकि अगर इसकी मौत गड़बड़ है तो बाकी तो मौत भी फिर गड़बड़ थी। और इत्तेफाक से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी चीज़ों ने खुलासा कर दिया। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि भूप सिंह खुद ही सोडियम से आग लगा था, उसने अपनी दादी और 2 बच्चों को मारा। अब सवाल ये है कि अपने ही 2 बच्चों और दादी का कत्ल भूप सिंह ने क्यों किया? हालांकि उसने बताया कि वो दादी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन 2 बच्चों के कत्ल का शक सीधे उसके ऊपर या कोई और ना है, इसलिए उसने दादी को भी निपटा दिया। अब वजह क्यों भूप सिंह ने अपने 2 बेटों और दादी को मारा, तो ये वजह और भी अजीब सी थी। भूप सिंह की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। भूप सिंह को अचानक पिछले कुछ वक्त से यह एहसास होने लगा, खासतौर पर कोरोना के बाद, कि उसकी वाइफ का किसी और से संबंध है। उसे अपनी वाइफ के कैरेक्टर पर शक होने लगा, उसके चरित्र पर वो शक करने लगा, और धीरे धीरे ये शक इतना गहराया कि वो अपने दोनों बच्चों को देखता और फिर अपने आप ही ये तय करता कि इनकी शक्ल तो मुझसे मिल नहीं रही है, ये मेरे बच्चे ही नहीं है दोनों, ये बच्चे पक्का अवैध संतान है, मेरी बेटी बीवी का जिसके साथ संबंध है ये शायद बच्चे उन्हीं से होंगे और ये मेरी औलाद नहीं है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा भी उसे दिमाग लगाता, मेडिकल पेशे से था, कंपाउंडर रहा था, तो DNA करा लेता, सारा शक दूर हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शक की आग ने पता नहीं क्या क्या जला रखा इस दुनिया में। तो सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी उसका किसी और से संबंध है और ये दोनों बेटे मेरे नहीं हैं, इसी वजह से उसने अपने उन दोनों बेटों को मारने का फैसला किया। अब दोनों बेटों को वो मारना तो चाहता था, लेकिन चाहता ये भी था कि कोई उस पर शक ना करे, और इसीलिए उसने फिर पूरी साजिश रची कि जहर देकर मारेंगे, लेकिन सबसे पहले घर की बुजुर्ग औरत यानी अपनी दादी का कत्ल करेंगे, फिर बच्चों का, ताकि ये 3 मौत गांव में ये लगे कि कोई मनहूसियत, कोई तंत्र मंत्र ये था, और इस वजह से उसने कर दिया। लेकिन कब्र से निकली एक लाश उसके छोटे बेटे की, उसने सारी कहानी खोल दी। तो पिछले करीब 1.5 महीने से चूरी के गाँव की जो रहस्यमयी आग, 3 रहस्यमयी मौत, उसका जब सच सामने आया, अब गांव वाले, खुद भूप सिंह के घर वाले, खुद उसकी पत्नी ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे ये सारी कहानी थी, और वो शक था जिस शक ने सच में पूरे घर को जला दिया। शक का कहते हैं कि इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसके कई और रास्ते निकल सकते थे, लेकिन अफसोस 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, 1 बुजुर्ग महिला की जान चली गई, और अब जाकर उन अफवाहों को विराम लगा कि यहाँ आग कैसे लग रही है, मौत कैसे हुई थी। तो ये थी चूरू की उस रहस्यमयी आग और 3 मौतों की पूरी कहानी। अब कहानी खत्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला, आज आरुषी हैदरी इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आरुषी, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और ये भेजा है फिरोजुद्दीन हैदरी ने, ये उनकी बेटियाँ हैं फिरोजुद्दीन की आरुषी, और ये काबुल में रहते हैं, और पक्का आप फिरोजुद्दीन साहब, ये काबुल के एक जस्ट 5-star होटल में काम करते हैं, वहाँ एक अटैक हमला हुआ था, हमारे देश में भी हर न्यूज़ चैनल पर वो खबर चली थी। तो आप उसकी पूरी डिटेल आप अगर मुझे मेल कर सकें तो आपकी मेहरबानी, मैं ज़रूर फिर वो कहानी सुनाऊंगा आपको। इसके अलावा प्रीति शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये भेजा है गणेश शर्मा ने, उनकी बहन है प्रीति, बीकानेर से। साथ ही मेहरुन्निसा शेख का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मेहरुन्निसा जी। और ये फरीद शेख ने भेजा है, फरीद शेख की मम्मी है रॉकी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रॉकी। और ये भेजा रवि पटेल ने, उनके बेटे हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए।
आयुषी डाबी, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे आयुषी, और ये भेजा मनीष मेहर ने। इसके अलावा बलजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच, इन्होंने कहा आपका और भी कोई चैनल है। कई ऐसे चैनल है जो मेरे नाम पर हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ यही एक चैनल है जिस पर आप कहानी सुनते हैं, बाकी कहाँ इतने चैनल चला पाऊँगा। अनिवेश कुमार सिंह, अविनेश कुमार सिंह, थैंक यू सो मच आपका। हामिद रजा, एक कहानी की फरमाइश की है। सचिन त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। रवि कुमार, थैंक यू। गौरव रंजन जर्मनी से, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कहा फॉलोअप में अतीक की अपडेट की आप कहानी सुनाएं तो जल्दी सुनाऊंगा आपको। प्रशांत कुमार गुप्ता, एक कहानी की फरमाइश की है। गोपाल गवली, एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही पौरावी पाटिल, हमेशा की तरह शैतानी भरा मेल। इसके अलावा तपन महंती, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।